नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। हरदोई पुलिस ने चौकीदार हत्या की किया खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल। पूरा मामला हरदोई जनपद की कोतवाली मल्लावा थाना क्षेत्र का है, जहां चौकीदार की हत्या से हड़कंप मच गया। फिलहाल हरदोई पुलिस ने आज चौकीदार हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हरदोई पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि चौकीदार अक्सर शराब पीने अपने दोस्त के यहाँ जाया करता था, जहाँ उसकी उसके दोस्त की बीवी के साथ वार्तालाप भी हुआ करती थी, जिसको लेकर घर में कलह का कारण आए दिन बनता रहता था। कत्ल वाली रात को चौकीदार इनके घर शराब पीने गया था, जहां किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल हरदोई पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त तो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जल्द ही उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। इसने किसकी हत्या की थी और क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, ये प्रमोद नाम का व्यक्ति जो एक गेस्ट हाउस में चौकीदार का काम करता है, उसका शव वहाँ मिला था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए ये पाया है कि ये प्रमोद और रामबाबू जो बहुत अच्छे मित्र थे, प्रमोद रामबाबू के यहाँ अक्सर शराब पीने जाया करता था और जो रामबाबू की भतीजी है माधवी, उससे इसकी बातचीत होती थी। ये बात इनके परिवार में कलह का कारण बनती थी और रामबाबू इस बात को लेकर नाराज भी था। जब इस बार ये इनके घर पे आया तो इन लोगों में ये तय हुआ कि ये अब बार बार यहाँ आता है, जिससे इनके परिवार में भी झगड़ा होता है। इसी घटना का इसी को कारण मानते हुए इन्होंने नशे में शराब के जो मृतक है उसको डंडे से प्रहार किया और उसको धारदार हथियार से उसके ऊपर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें रामबाबू और उसकी भतीजी माधवी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और जो संजय नाम का इसमें अभियुक्त है वो अभी फरार है, जिसको पुलिस जल्दी गिरफ्तार करेगी। साथ ही मैं बता दूं कि पुलिस ने इसमें आला कत्ल बरामद किया है, जिसमें कि एक छुरी, एक लाठी, जो मृतक का मोबाइल वह भी मिला है और अभियुक्त का भी मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। पूरी टीम ने जिसने सफल अनावरण किया उनको बहुत बहुत बधाई। महिला ने किन किन लोगों के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया तो बताया? मतलब एक सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।